हाँ तो दोस्तों, मैंने आगे आपको वीडियोस में दिखाया कि इसका गियर का टाइमिंग कैसे सेट करते हैं, उसका ऑयल पंप कैसे फिटिंग करते हैं। तो अभी मैंने इसका ये टाइमिंग प्लेट फिटिंग कर लिया है और डीजल पंप भी फिटिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी जैसा मैंने आपको आगे वीडियो में दिखाया था कि इसका जो डीजल पंप का गरारी ये वाला आइडल गियर के सामने जो डॉट का निशान है उसके सामने मैंने एक्यूराइट मैच किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से दिख नहीं पाएगा, लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डॉट है वो बिल्कुल आइडल गियर के सामने, ये वाला डॉट शायद आपको दिख जाए, वो आइडल गियर के सामने मैंने मैच किया हुआ है। तो अभी हम इसका ड्रॉप कटअप, डिग्री टाइमिंग, फ्यूल कटअप, ये एक ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये डाउन पोजीशन में है ये वाला पिस्टन। तो अभी हमें इंजन को सीधी दिशा में घुमाना है, पहले सीधी दिशा में घुमाने के बाद कुछ इस तरह से सीधी दिशा में हमें इसको घुमाना है। तो ये पिस्टन हमारा TDC यानी के टॉप पोजीशन पे है। तो अभी ये TDC पे हमारा पिस्टन आ चुका है। तो नीचे की ओर यहाँ फ्लाईव्हील पे ये प्लंजर भी टॉप पे है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ नीचे पे फ्लाईव्हील के ऊपर जो जीरो का मार्क है वो एक्यूराइट एरो के सामने होना चाहिए, जो प्लेट है फ्लाईव्हील का जो प्लेट है उसके साथ में एक एरो का निशान बना हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला एरो आप देख सकते हैं बिल्कुल उसके सामने ये जीरो का मार्क होना चाहिए। अभी ये थोड़ा डाउन है, मैं इसको मैच करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये वाला जीरो देख सकते हैं। अभी मैंने इसको नीचे किया, अभी मैंने इसको थोड़ा आमने सामने कर लिया, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से एक्यूराइट एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। तो हमारा पिस्टन बिल्कुल टॉप पे है और ये फर्स्ट वाला प्लंजर भी टॉप पे है, आप देख सकते हैं। तो अभी हमें इसका डिग्री टाइमिंग यानी कि ड्रॉप कटअप करना है। बहुत से लोग इसको डिग्री टाइमिंग, फ्यूल कटअप, दोस्तों ये सब एक ही होता है, अलग अलग मिस्त्री का बोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो अभी ये टॉप पे है और ये डीजल पंप पे एक पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूल कटअप कैसे किया जाता है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाली नोज़ल पे मैंने पाइप लगाया है। तो अभी हमें इंजन को ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में यानी इंजन को हमें उल्टा घुमाना है। तो इस तरह से देख सकते हैं अभी इंजन को मैं उल्टा घुमा रहा हूँ। और आ दोस्तों, इसका टाइमिंग एक्यूराइट 22 डिग्री पे होता है, ये 98 मॉडल ट्रैक्टर है, 22 साल पुराना, और इसका डिग्री टाइमिंग होता है 22 डिग्री। बहुत से लोग 24 कहते हैं, कोई 26 भी कहता है, लेकिन एक्यूराइट इसका जो कंपनी कह रही है वो 22 डिग्री होता है। तो देख सकते हैं अभी ये 30, ये 26, 24 और ये आ रहा है 22, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये 22 को हमें एक्यूराइट इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने रखना है, न ऊपर न नीचे, बिल्कुल एक्यूराइट रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पिस्टन इतना डाउन है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फ्यूल कटअप हो जाना चाहिए, अभी ये कटअप पोजीशन में है यानी यहाँ पे अभी फ्यूल का सप्लाई बंद हो चुका है। और यहाँ पे ये डीजल पंप का प्लंजर भी हल्का डाउन है। तो अभी हमें इसको ये पूरा फ्यूल का यानी डीजल का लाइन हमने दिया हुआ है। तो अभी हम इसको यहाँ से डीजल पंप जो ये पंप है वो हमें लगाना है, यानी कि इसको डीजल पंप को मारना है और यहाँ से ड्रॉप का सिस्टम देखना है कि कहाँ पे कटअप होता है, हमें 22 डिग्री पे कटअप करना है। तो अभी इंजन को हम उल्टा घुमाएंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी देख सकते हैं ये एक्यूराइट 22 डिग्री पे है। तो ये पंप मारने पे यहाँ पे डीजल नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये इसका टाइमिंग सही है क्योंकि मैंने उसको 22 डिग्री पे मैच किया हुआ है। तो यहाँ पे डीजल आप देख सकते हैं, ये एजाज यहाँ पे फ्यूल पंप करने के बाद भी डीजल नहीं आ रहा है। जैसे मैं इसको थोड़ा घुमाऊंगा यानी कि इसका डिग्री टाइमिंग रॉन्ग कर दूंगा तो अभी यहाँ पे डीजल आना शुरू हो जाएगा जैसे मैं इसको घुमाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैंने इसका डिग्री रॉन्ग किया तो ये डीजल आना शुरू हो गया है, देख सकते हैं अभी। तो दोस्तों ये 22 डिग्री पे बंद हो जाना चाहिए, बिल्कुल एक बूंद भी नहीं होना चाहिए। तो ये डिग्री को मैंने रॉन्ग किया हुआ है, देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये फ्यूल
ये डीज़ल आना शुरू है। और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 22 पे रखा था, तो अब मैंने इसको रॉन्ग कर दिया है। देख सकते हैं अभी ये 30 डिग्री पे आ चुका है, मैंने इसको घुमाया। तो दोस्तों ये 30 डिग्री इसका टाइमिंग नहीं है, क्योंकि मैंने इसको 22 डिग्री पे डीज़ल कट किया हुआ है। 22 डिग्री पे उसको मैंने मैच किया है, वहाँ पे ये कटअप हो जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट। तो देख सकते हैं अभी ये डीज़ल जैसे पंप लगा रहा है, ये डीज़ल आ रहा है। तो दोस्तों अभी मैं इसको 22 डिग्री पे लेके आता हूँ, घुमाओ तो इस तरह से हमें फिर इसको हल्के हल्के, बिल्कुल हल्के दोस्तों, एमएम की साइज से इसको घुमाना है, धीरे 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 करके, 1 mm, 2 mm, 3 mm, इस तरह से हल्के हल्के हमें घुमाना है। जैसे ये 22 डिग्री पे आएगा, ऑटोमेटिक डीजल यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ये हमारा टाइमिंग सही है। तो देख सकते हैं अभी ये ड्रॉप सिलसिला चालू है, जैसे 22 डिग्री मैच होगा दोस्तों यहाँ पे डीजल बंद हो जाएगा। तो समझ लो हमारा टाइमिंग सही है। तो देख सकते हैं अभी भी ये डीजल चालू है, चालू है, ड्रॉप सिस्टम चालू है। अभी देख सकते हैं, इसी को ये ड्रॉप कटअप बोलते हैं दोस्तों। जैसे ड्रॉप कटअप हो जाएगा हमारा टाइमिंग सही है। तो अभी ये ड्रॉप कटअप चालू चालू ही है, देख सकते हैं। जैसे एक्यूरेट इसका जो डिग्री मैंने मैच किया हुआ है 22 डिग्री, वहाँ पे ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो देख सकते हैं अभी दोस्तों ये बिल्कुल डिग्री के करीब में है, और ये अभी बंद हो चुका है यहाँ पे डीजल। तो इसका 22 डिग्री एक्यूरेट टाइमिंग जो मैंने रखा हुआ है वो मिल चुका है उसको। तो देख सकते हैं अभी डीजल पंप यहाँ पे, पंप लगाने के बाद में भी डीजल नहीं आ रहा है, और यहाँ पे एक्यूरेट 22 डिग्री पे देख सकते हैं अभी दोस्तों। मैं इसका लाइट ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो बिल्कुल 00, बिल्कुल 22 डिग्री पे है, ये एरो के सामने बिल्कुल 22 मैच हो चुका है दोस्तों। तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी डीजल नहीं आ रहा है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे पंप लगाते जाओगे तो 15 सेकंड या 22 सेकंड में एक बूंद आना चाहिए, 15 सेकंड में एक बूंद आ जाएगा तो भी हमारा टाइमिंग सही है, और 22 सेकंड में एक बूंद आएगा तो भी हमारा टाइमिंग सही है। तो एक्यूरेट 22 सेकंड में यहाँ पे एक बूंद डीजल आएगा, पंप लगाते जाएंगे। तो अभी मैं इसको रॉन्ग करता हूँ दोस्तों। देख सकते हैं अभी जैसे मैंने इसको रॉन्ग किया, थोड़ा इंजन उल्टा घुमाया, यहाँ पे डीजल आना शुरू, और जैसा मैं इसको 22 डिग्री पे लेके जाऊँगा ये बिल्कुल कटअप हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं, उठाओ दोस्तों, देख सकते हैं अभी ये डीजल बंद हो चुका है, यहाँ पे ड्रॉप सिस्टम कट चुका है। तो ये 22 डिग्री पे हमने मैच किया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से इसका ये ड्रॉप कटअप किया जाता है। तो अभी ये हमारा ट्रैक्टर एक ही झटके में स्टार्ट होगा, देख सकते हैं अभी यहाँ पे एक्यूरेट 22 डिग्री पे ही कट हुआ है, देख सकते हैं ये एरो के सामने बिल्कुल 22। दोस्तों इस तरह से इसका ये ड्रॉप टाइमिंग लिया जाता है। सभी ट्रैक्टर का अलग अलग ड्रॉप कटअप होता है, ये स्वराज का, मेसी का, सभी ट्रैक्टर का अलग अलग होता है दोस्तों। तो ये फोर्ड 60 जो पुराना मॉडल है उसका 22 डिग्री पे होगा। और दोस्तों हाँ, उसको मैच करने के लिए ये जो डीजल पंप का टिन बोल है इसको हम लूज करके, एडवांस रिटायर करके उसको मैच कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी मैं इसको कस लेता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊँगा कि उसका हेड कैसे फिटिंग करते हैं।